हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वोकैब विद निकुंज। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है एसएससी सीजीएल नोटिफिकेशन के रिलेटेड में, मैं दिखाता हूँ आपको। चलिए सबसे पहले चलते हैं एसएससी की वेबसाइट पर। ठीक है, ये है अपडेट कंटेंट टू द नोटिस ऑफ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन। ठीक है, इसको क्लिक करते हैं तो ये खुल गया आपका पीडीएफ। ठीक है, इसमें ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट्स मे रेफर टू द नोटिस ऑफ द कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन पब्लिश्ड ऑन 17 सितंबर। जो 17 को नोटिफिकेशन आई थी उसके रिलेटेड है कि ये कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, अमेंडमेंट क्या है? सीरियल नंबर 18 ऑफ टेबल नंबर पैरा 2.3 में भी रेड एज। जो टेबल था पैरा 2.3 में, उसका जो सीरियल नंबर 18 है उसमें कुछ चेंजेस हैं। असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट जो है किस डिपार्टमेंट में आएंगे, वो है अदर मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ पोस्ट रहेगी ग्रुप बी, और एज लिमिट रहेगी नॉट एक्सीडिंग 30 इयर्स। ठीक है, मतलब 30 साल से ऊपर एज नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद लिखा है कि फॉरिंग पैरा में भी रेड एज मॉड्यूल 1 जो है सेक्शन 3 का और पेपर 1 का कंप्यूटर नॉलेज मैंडेटरी, वो मैंडेटरी हो जाएगा लेकिन क्वालिफाइंग इन नेचर है। ठीक है, मतलब मैंडेटरी रहेगा लेकिन यू जस्ट नीड टू क्वालिफाई इट। लेकिन शॉर्टलिस्ट करते समय जहां कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी प्रिस्क्राइब रहेगी, जैसे कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर सीएचएस एमईए और एएफएचक्यू, असिस्टेंट सीएचएस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, असिस्टेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस, इंस्पेक्टर, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट सीबीआईसी एंड पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स हैं वो भी सेट होंगे इन कंपेरिजन टू अदर पोस्ट्स। ठीक है, राइट। उसके बाद 16.12 जो पैरा नंबर है वहां पे ये है कि मेरिट लिस्ट जो है पोस्ट ऑफ फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर वो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन में भी प्रिपेयर होगी ऑन द बेसिस ऑफ एग्रीगेट मार्क्स स्कोर्ड इन सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2 ऑफ पेपर 1 पेपर 2 ऑफ टियर 2 एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट टू क्वालिफाइंग सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 ऑफ टियर 2। ठीक है, और उसके बाद लास्ट है आपका मेरिट लिस्ट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। will be prepared on the basis of aggregate marks scored in section 1 and section 2 of paper 1 and paper 3 of tier 2 examination subject to qualifying section 3 of paper 1 of tier 2। ये सुनने में तो बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा है, लेकिन मैं आपको हल्का सा हिंट देता हूँ कि इसको इंटरप्रेट कैसे करना है। उसके लिए जो एसएससी की नोटिफिकेशन आई थी, पहले हम उसको खोलते हैं। ठीक है, जो 17 तारीख को आई थी, ये रहा। ठीक है, ये है। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे, ये है, ये राइट, ये ओरिजिनल नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो आपका सीरियल नंबर 18 ऑफ टेबल अंडर पैरा 2.3, तो सबसे पहले पैरा 2.3 निकालते हैं। ठीक है, 2.2 ये 2.3 है, यहाँ पैरा 18 है, राइट। अब देखिए असिस्टेंट है यहाँ लिखा हुआ, राइट, लेकिन यहाँ जो नई कॉरिकेंडम है, जो करेक्शन है, उसमें लिखा गया है असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो ये चेंज है। ठीक है, अब उसके बाद अगला देखते हैं जो चेंज है 13.8.110 में। ठीक है, 13.8.10 में जस्ट अ मोमेंट आ गए हम लोग, ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ये लिखा हुआ है मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1, चलिए इसको पूरा इंटरप्रेट करते ही हैं, जिससे पता चल जाएगा कि चेंज है कि अब दैट इज कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट इज मैंडेटरी बट क्वालिफाइंग इन नेचर, हाउएवर शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कमिश्नर प्रिस्क्राइब्ड दैट इज असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन सीएसएस एमई एंड एएफएचक्यू, असिस्टेंट सीरियस फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, असिस्टेंट जीएसआई इन द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, यहां पे भी वही है, असिस्टेंट इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। ठीक है, इंस्पेक्टर सीजीएसटी एंड सेंट्रल एक्साइज। ठीक है, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर एंड एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी। देखिए
ये सीबी, ये जो यहाँ लिखा हुआ है अब एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट इन सीबीआईसी, ठीक है, ये आप देख पा रहे हैं राइट, ये पहले भी नहीं था। ये देखिए, ये जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन है उसमें कहीं नहीं है राइट। तो ये नई चीज ऐड हुई है, तो ये आपको आपके जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ पे वो मैटर कर रहा है, ठीक है। इस तरह जो रिमेनिंग दो हैं उनको भी आप चेक कर लीजिएगा कंपेयर करके, जैसे मैंने कंपेयर करके किया है। तो यही था आज के अपडेट में, बस यही था, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय बाय।